शुरुआत में हम पर्चीबाज को देखते हैं जो अपने दोस्तों की नकली आईडी बनाने के लिए फोटो खींच रहा था तभी वहाँ पर भविष्य के आइंस्टाइन आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो हर रोज एक पीरियड के बाद स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट अपनी टिफिन और नंगी लड़कियों की मैगजीन को ताड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं तभी वहाँ पर घंटा बजता है और वही दूसरी तरफ हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते है जो मैगजीन लेकर उस रूम के लिए आ रहा होता है रूम में घुसते ही वो देखता है सभी बच्चे मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल में जवानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर सर हम लोग हमारे घी क्लब की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लब के उद्घाटन में हमें गाना गाने का काम दिया गया है इसी बीच वो कहता है सर मैं जब आपके मैगजीन को पढ़ रहा था तभी उसके दो पन्नों के बीच कुछ फेबिकॉल की तरह लगा हुआ था वैसे सर वजन कम करने के लिए और भी कई सारे तरीके है जिसको सुनते ही वो बौखला जाता है और उन सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है आगे उन लोगों का रिजल्ट दिया जाता है और हमें पता चलता है कि वो लोग हाई स्कूल को छोड़कर अब कॉलेज में जाएंगे भविष्य के आइंस्टाइन कहता है मुझे किसी भी हालत में हॉर्मोन कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और देखना मैं किताबों को पढ़कर पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दूंगा यहाँ पर हमें पता चलता है की पर्चीबाज ने कई हजारों कॉलेज में अप्लाई किया है लेकिन कोई भी कॉलेज उसे अपने कॉलेज का नाम बदनाम करने के लिए लेना नहीं चाहते तभी एक नौजवान लड़का मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे प्रिस्टन कॉलेज में एडमिशन मिल गया अब मैं अपना और दुनिया को हिला दूंगा आगे पर्चीबाज अपनी क्रश मुझे प्यार चाहिए से मिलता है वो कहती है मुझे हार्मोन कॉलेज में एडमिशन मिल गया है इसी खुशी में मैंने अपने घर पर आज एक छोटा सा पार्टी रखा है तो क्या तुम उस पार्टी में हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं क्या तुम मेरे बगीचे को साफ कर दोगे वहाँ पर मेरे पालतू कुत्ते ने गंद मचा दिया है हाँ जरूर मैं तो उसी के लिए ही पैदा हुआ हूँ तभी मुझे प्यार चाहिए को प्यार करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड शैतान मेरे रग रग में आता है वो मुझे प्यार चाहिए को अपने साथ लेकर जाता है पर्ची घर पहुँच कर है कि उसे दुनिया के सबसे घटिया कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला वो अपनी बहन पड़ाकू लड़की से इसके बारे में बात करता है भैया मुझे लगता है कि आपको एक रिक्शा खरीद लेना चाहिए इससे आपको पैसे भी मिलेंगे और पापा को सहारा भी क्या मैं रिक्शा चलाऊंगा तुम जानती हो मैं कितना बुद्धिमान हूँ वो पेपर में ही गलत सवाल दिया हुआ था इसीलिए मेरा कम नंबर आया आगे वो अपने भोले भाले बाप को समझाने के लिए जाता है पढ़ाई लिखाई तो बस एक मोहमाया है अभी किसको नौकरी मिलती है और मिलती भी है तो बस पाँच दस हजार का इससे अच्छा है कि मैं एक रिक्शा खरीदूँ और इससे मुझे चार पाँच सौ का तो तिहाड़ी मिल ही जाएगा क्या तुम मेरे बेटे होकर रिक्शा चलाओगे हाँ पापा काम थोड़ी छोटा बड़ा होता है देखो ना एमबीए चाय वाला को वो चाय को करोड़ पति हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी तो चाय ही बेचते थे देखना एक दिन मैं भी रिक्शा चला कर आपका नाम रोशन करूँगा अब उसकी इस बात पर उसका बाप भड़क जाता है और उसे अपने आगे का पढ़ाई जारी रखने के लिए कहता है उस रात पर्ची बाज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हार्मोन कॉलेज को कॉपी करके साउथ हार्मोन कॉलेज नाम के एक कॉलेज का एडमिशन लेटर लिख देता है अगले ही दिन वो अपने दोस्त भविष्य के आइंस्टाइन को साउथ हॉर्मोन कॉलेज के नाम से एक असली वेबसाइट बनाने के लिए कहता है ताकि वो अपने भोले भाले बाप को बहका सके उसका बाप तो उस एडमिशन लेटर को देख खुशी ऐसी झूमने लगता है लेकिन उन्होंने कभी भी उस कॉलेज के बारे में नहीं सुना था पर्चीबाज कहता है पापा नया नया ही खुला हुआ है और इसका तो एक वेबसाइट भी है जिसके बाद उसके भोले भाले बाप उसे उसके कॉलेज तक छोड़ने का फैसला करते हैं अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अब एक कॉलेज का भी जुगाड़ करना था इसीलिए वो लोग भविष्य के आइंस्टाइन के पास जाकर उसे एक हॉल जुगाड़ करने के लिए कहता है तभी उनकी मुलाकात उनका दोस्त दिन में पांच बार से होता है पांच बार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ये सब कुछ पॉलिटिकल ड्रामा है मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और मुझे तो मैथ में जीरो नंबर भी दिया गया था क्या जीरो कैसे मिला उसमें तो नाम लिखने का भी पांच नंबर मिलता है हमें पता चलता है की पांच बार को लिखना भी नहीं आता खैर आगे वो लोग एक पुराने टूटे फूटे मेंटल हॉस्पिटल को अपना कॉलेज बनाने के लिए किराए पर लेते हैं अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उस जगह की गटर से भी बुरी हालत थी इसीलिए अगले ही दिन वो लोग उसकी मरम्मत करने के लिए शुरू हो जाते हैं इसी बीच उनकी मुलाकात फिर से दिन में पाँच बार से होता है जो वहाँ पर कूड़ा फेंकने का काम कर रहा था क्यूँकी उसे पिछली नौकरी से भगा दिया गया है वो लोग जब बाथरूम को देखते हैं तो और भी परेशान हो जाते हैं क्यूँकी वहाँ पर टट्टियों की होली खेला गया था अब क्यूँकी वो मेंटल हॉस्पिटल था इसीलिए वो लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं सबको वहाँ पर झटका लगता है लेकिन दिन में पाँच बार को कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी अगले दिन भविष्य के आइंस्टाइन अपने कॉलेज यानी हार्मोन कॉलेज चला जाता है हम कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते हैं जो शैतान मेरे रग रग से कहते हैं जानते हो बेहतर कॉलेज किसको कहते हैं जहाँ पर ज्यादा पढ़ाई नहीं बल्कि ज्यादा भोले भाले बच्चों को लात मार कर निकाल दिया जाता है इसीलिए हम हमारे कॉलेज से और भी बच्चों को निकालेंगे जिसके लिए हमारे कॉलेज को एक पार्क में बदलना होगा और पढ़ाने के रूम को और भी छोटा करना होगा दूसरी तरफ हम पर्चीबाज के भोले भाले बाप को देखते हैं जो पर्ची बाज को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलना चाहता हूँ अब फिर से इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो लोग एक जूते की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक सन की पागल को उठा कर लाते हैं जो कई साल पहले उसी मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था लेकिन हॉस्पिटल बंद होने की वजह से वो अब दूसरों को पागल बनाने का काम करता है वो पैसों की लालच में उनकी नकली प्रिंसिपल बनने के लिए तैयार हो जाता है इधर पर्चीबाज की दोस्त एंजेलिका एक थिएटर से कुछ ड्रामेबाज को उठा कर लाती है और उन्हें स्टूडेंट्स की तरह कपड़े पहना कॉलेज कैंपस में खड़ा कर देती है तब तक वहाँ आरोप पर पर्चीबाज अपने भोले भाले फैमिली के साथ पहुँच जाता है अंदर उसकी माँ जब बाथरूम करने के लिए जा रही थी तभी पर्ची बाज उन्हें रोक लेता है क्यूँकी वो बाथरूम वही बाथरूम था जहाँ पर ट की होली खेला गया था आगे वो लोग सन की प्रिंसिपल ऐसी बात करने के लिए उनके पास जाते हैं देखिए हम इन बच्चों के सामने तरह तरह के बादे फेंक देते हैं ताकि ये लोग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाए इस उम्मीद के साथ कि इससे उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इस नई जनरेशन में पैदा कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स को बायर्स और सेलर्स यानी माल और दलाल को और इस तरीके से हम उन्हें समझाते हैं कि वो लोग किस तरीके से जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहे हैं वो लोग बस इस उम्मीद से पढ़ते हैं ताकि उन्हें एक ढंग की नौकरी मिल जाए हाँ आपने सही कहा हम तो जानते ही नहीं थे की आज के बच्चे ऐसे सोच रखते है सब गधे है अब इसके बाद उसके माता पिता उसे फर्जी कॉलेज में छोड़ कर वहाँ चले जाते हैं अंदर जब वो लोग मस्ती कर रहे थे तभी कोई दरवाजा नॉक करता है वो लड़का कहता है हाय सर मेरा नाम है आलबा लथी लल्ला लुल्लो और मुझे कई हजारों कॉलेज में ठुकराने के बाद आपके कॉलेज ने एक्सेप्ट किया है उसकी होती बातों को सुनकर पर्चीबाज कहता है भाई मुझे माफ करना ये मेंटल हॉस्पिटल पहले था आलबा लथी लल्ला लुल्लो कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना और मैं वेबसाइट देख सही जगह आरोप आया हूँ और मेरे साथ ये लोग भी आए हैं हम देखते है की फर्जी कॉलेज के बाहर कई हजार पर्चीबाज स्टूडेंट अपना बक्सा लेकर खड़े हुए थे उन लोगों ने भी उस वेबसाइट में जाकर एडमिशन लिया है और उनमें ऐसी ज्यादातर लोग दिमाग ऐसी पैदल थे पर्चीबाज इस मुसीबत का हल निकालने के लिए भविष्य के आइंस्टाइन के पास जाता है जहाँ पर वो उसे सब कुछ खोल बताता है इसी बीच उसकी मुलाकात उसकी क्रश मुझे प्यार चाहिए ऐसी होता है जो अपने बॉयफ्रेंड शैतान मेरे रग रग के साथ मजा कर रही थी हमें यह भी पता चलता है कि शैतान मेरे रग रग में इस कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा है खैर पर्चीबाज भविष्य के आइंस्टाइन को लेकर अपने फर्जी कॉलेज में जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि सभी बच्चे ने एडमिशन के लिए दस हजार डॉलर करके दिया है यानी उनके पास अभी बहुत सारा पैसा है पर्चीबाज कॉलेज में एडमिशन ना पाने का गम जान था इसलिए वो स्टेज में सबको सच नहीं बता पाता इसी बीच वो जब बात कर रहा था तभी अलबा लथी लल्लू उसे अपना हाथ दिखाता है और कहता है की मैं जब इस कॉलेज में एडमिशन हुआ तब मेरे पिता ने पहली बार मुझसे कहा की मेरे बेटे मुझे तेरे ऊपर नाज है ये सुनकर वहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं और एक लड़की तो अपनी नीली ब्रा को उतार कर फेंक देती है भाषण हो जाने के बाद जब वो लोग अपने रूम जा रहे थे तभी वो नीली ब्रा उतारने वाली लड़की पर्ची बात ऐसी कहती है सर मैं पैसे कहाँ जमा कर सकती हूँ क्या पैसे जमा करना है मुझे दे दो मैं दलाल हूँ जिसके बाद वो बिना स्लिप के उसे थैली भर पैसे देकर वहाँ ऐसी चली जाती है अगले दिन वो लोग जब अपने फर्जी कॉलेज आते हैं तो वो देखते है की सभी छपरी लोगो ने कॉलेज को नाइट क्लब में बदल दिया है कोई वहाँ पर जुआ खेल रहा है कोई तैर रहा है और कुछ लड़कियों ने तो वहाँ पर अपने तन बदन में आग भी लगा कर रखा है कुल मिलाकर वो लोग उस जगह को एक कोठा बना दिया था एक आदमी कहता है देखो मेरी उम्र 40 साल का है लेकिन मेरा दिल अभी भी 18 का है इसलिए मैं यहाँ पर लड़कियों के साथ गुल उड़ाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें पचास हजार डॉलर दूंगा जिसको सुनकर पर्चीबाज मान जाता है दरअसल उस आदमी ने उस जगह को कॉलेज की जगह नाइट क्लब सोचा था जहाँ पर दिन रात पार्टी चलती है इसलिए उसने इतना पैसा दिया खैर आगे पर्चीबाज अपने कॉलेज के नकली प्रिंसिपल ऐसी जाकर बात करता है तो बताइए कॉलेज में क्या होना चाहिए देखो उन बच्चों ने हमें पैसे दिए है इसीलिए हमें उन्हें सर्विस देना होगा वैसे तो हम उन्हें पढ़ा भी सकते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए और भी कई सारे कॉलेज हैं। इसीलिए हम उन्हें पैसों के बदले में यहाँ पर अयाशी करने देंगे पर्चीबाज को उसका यह प्लान अच्छा नहीं लगता और वो सबसे जाकर पूछता है कि उन्हें किस चीज़ की दिलचस्पी है अलबर लथी लल्ला लुल्लो कहता है कि मुझे लड़कियों के ऊपर दिलचस्पी है गर्ल्स 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 सुंदर लड़कियाँ मुझे तो गाना और हंगामा भी करना है शायद कपड़ों से जुड़ा हुआ कुछ जैसे की कपड़े पहनना कपड़े उतारना मैं इन सब में काफी माहिर हूँ क्या तुम देखना चाहोगी इसी बीच एक लड़का कहता है की मैं अपनी आँखों की ताकत ऐसी हिलाना चाहता हूँ मतलब चीजों को हिलाना चाहता हूँ खैर आगे वो लोग एडमिशन के पैसों से उस मेंटल हॉस्पिटल को कॉलेज में बदलने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बच्चों को टैक्स के बारे में समझा रहा होता है अगर तुम लोग अमीर हो तो सरकार तुम्हारे पैसों की पाई पाई हिसाब रखेगी और तुम्हारे बकवास भी सुनेगी इधर दिन में पाँच बार उस कॉलेज के फूड डिपार्टमेंट को संभालता है और रोज नई नई खाना पका उन सभी को खिलाता है हेल्थ इंश्योरेंस बकवास है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता अगर आप संडे को बीमार होते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वो लोग सिर्फ मंडे ऐसी लेकर सैटरडे तक पैसे देते हैं इधर पर्चीबाज का दोस्त कॉलेज कैंपस में एक मूर्ति बनाता है लेकिन दोस्तों ये कौन सी महा आदमी का मूर्ति है इसके बारे में अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना दूसरी तरफ वो सन की लड़का भी अपनी आंखों से फल और सब्जी को हिला पा रहा था साथ ही साथ वो लोग हफ्ते में एक ही क्लास करते थे सन की प्रिंसिपल उन्हें बताता है की पढ़ाई क्या होता है पढ़ाई का मतलब होता है ध्यान देना अपने आप को उस मुसीबत के लिए तैयार करना जिसको हम जिंदगी कहते हैं खैर अगले ही दिन सैतान मेरे रग रग में उस मेंटल हॉस्पिटल में आता है जो अभी एक कॉलेज बन चुका था वो दरअसल उसे खरीदने के लिए आया था लेकिन पर्ची बाज उस अंदर आने नहीं देता यहाँ पर उसे इस कॉलेज के बारे में पता चल जाता है और रात को वो इंटरनेट पर इस कॉलेज के बारे में चेक करता है इसी बीच वहाँ पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके साथ वो गुल उड़ाने लगता है तब तक उसकी पहली गर्लफ्रेंड मुझे प्यार चाहिए आकर उसे मुँह काला करते हुए देख लेती है और उसके ऊपर नाराज होकर वहाँ ऐसी चली जाती है अगले दिन सैतान मेरे रग रग में अपने पिता यानी हॉर्मोन कॉलेज के प्रिंसिपल को उस फर्जी कॉलेज के बारे में बताता है इधर मुझे प्यार चाहिए प्यार में धोखा खाकर फर्जीबाज के पास जाती है और वो दोनों वहाँ पर प्यार भरे बातें करते हैं और एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं दूसरी तरफ भविष्य के आइंस्टाइन के पास एक लड़की आकर कहती है मुझे काफी डर लग रही है क्यूँ न आज हम दोनों एक साथ सोए जो कहकर वो उसे बहला फुसला कर शैतान मेरे रग रग के पास लेकर जाता है जिसके बाद दो चार मुक्के खाने के बाद उसे उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है उधर अगली सुबह सभी रात को पार्टी करने की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे तभी वो कच्ची पहना हुआ आदमी कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा मजा इस आदमी ने किया है आगे पर्ची बात जब सुन स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ था तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं अब वो किसी तरीके से इस मुसीबत को हैंडल कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर शैतान मेरे रग रग में अपने बाप और कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जिसके बाद वो सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है यानी सच बता देता है जिससे सभी स्टूडेंट को उनके फैमिली मेंबर आकर लेकर जाते हैं और पर्चीबाज के भोले भाले बाप का सर नीचे झुक जाता है अब इस गुन्हा को करने की वजह से पर्चीबाज को सजा भी होने वाला था इसीलिए उसका दोस्त भविष्य के आइंस्टाइन उसे एक आइडिया देता है वो कहता है की हम लोग हमारे फर्जी कॉलेज को असली कॉलेज में रजिस्टर करेंगे और इससे हमारा सारा गुना माफ हो जाएगा इसीलिए वो लोग बोर्ड काउंसिल में अपना मुकदमा दर्ज करते हैं वहाँ पर हार्मोन कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे जो उसे जीतने देना नहीं चाहते थे लेकिन पर्चीबाज बाज वहाँ पर संदीप महेश्वरी की तरह मोटिवेशन देता है जिसको सुनकर काउंसिल के सभी जजों की आंखें भर आते हैं और वो लोग उनके कोठे को कॉलेज बनाने का इजाजत दे देते हैं अब ये सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट खुशी से झूमने लगते है आगे हम देखते है पर्चीबाज जो कि कॉलेज का सी बी नहीं गया था लेकिन अब वो उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बन चुका है दिन में पांच बार कुकिंग डिपार्टमेंट का शेफ बन चुका है और वो कॉलेज के सभी स्टूडेंट को पिज्जा बर्गर और चिकन मोमो खिलाता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है तो दोस्तों इस मूवी में हमें यह सीखने को मिला की एक पर्चीबाज भी एक कॉलेज का प्रेसिडेंट बन सकता है बाकी इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना